गाइज, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे पूछना चाहूँगा कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी स्क्रीन पर, और अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं पता है तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि आज हम बेसिकली इन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पूरी वीडियो देखने के बाद आंसर इसके फाइंड आउट कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। यानी कि आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम करने जा रहे हैं एपोस्ट्रोफी एस और एपोस्ट्रोफी के बारे में, कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होता है, किस तरीके से इसकी ट्रिक्स हैं वो। तो गाइस, स्वागत है आप सभी चैम्प्स का एक बार फिर से एसएससी स्कॉलर्स के यूट्यूब चैनल पर। हम कर रहे थे नाउन्स, और आज हम जो करने वाले हैं वो है नाउन्स का पार्ट 3, जिसमें के एपोस्ट्रोफी प्लस एस और दूसरा होता है हमारा एपोस्ट्रोफी, उनके यूजेस उनके ट्रिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं यूजेस ऑफ एपोस्ट्रोफी प्लस एस। और एपोस्ट्रोफी प्लस एस यानी कि ये देखिए, ये है आपका एपोस्ट्रोफी और ये है आपका एस। तो कहाँ कहाँ पर ये जो है सिंबल एपोस्ट्रोफी एस यूज़ किया जाता है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। दो तरीके के होते हैं ये आपको पता है, एक होता है एपोस्ट्रोफी सिर्फ और दूसरा होता है हमारा एपोस्ट्रोफी एस। तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, पहले हम लेके चल रहे हैं एपोस्ट्रोफी एस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले एपोस्ट्रोफी एस का जो यूज़ होता है वो होता है सिंगुलर नाउन्स के साथ, और दूसरा लिविंग थिंग्स का जो हम रिलेशन बताते हैं नॉन लिविंग थिंग्स पे या फिर उन पर अधिकार बताते हैं तब वहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, कविताज वॉच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि कविता की घड़ी बहुत ही महंगी है। यहाँ पर अब देखिए, फर्स्ट रूल क्या कहता है, सिंगुलर नाउन के साथ आपका एपोस्ट्रोफी एस लगता है, सिंगुलर कविता के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। कविता कैसा है, सिंगुलर है, यानी कि फर्स्ट रूल जो है आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, आपको पता है कि लिविंग थिंग्स का रिलेशन नॉन लिविंग थिंग्स से दिखाते हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स पर अधिकार दिखाना हो तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। तो देखिए, कविता का रिलेशन जो है वो किससे है, वॉच से यहाँ पर दिखाया गया है। वॉच कैसी है, नॉन लिविंग थिंग है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया है। यानी कि सेंटेंस कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पर सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा होता तब वहाँ पर हमारा सेंटेंस गलत हो जाता। एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया है क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है, लिविंग थिंग्स का रिलेशन जब हम नॉन लिविंग थिंग्स से बताते हैं या उन पर अधिकार अपना दिखाते हैं वहाँ पर भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होता है। और कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है वो देख लेते हैं। तो देखिए, इसके अलावा कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनका जो एंड होता है उनमें मतलब हिसिंग साउंड नहीं आती, जो नाउन आपकी हिसिंग साउंड नहीं देती उनके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं। ये आपको रूल अभी थोड़ी देर में समझ आने वाला है और अच्छे से, जब मैं आपको बताऊंगा कि एपोस्ट्रोफी का यूज़ कहाँ पर करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़, इसके बाद आपको बताऊँगा एपोस्ट्रोफी का यूज़। तो देखें, यहाँ पर नाउन जो कि हिसिंग साउंड ना निकाले उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। अभी फ़िलहाल ये समझ लीजिए, इसके जस्ट बाद अब हम करने वाले हैं कि एपोस्ट्रोफी का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए, एपोस्ट्रोफी का यूज़ है सबसे पहले हम करते हैं प्लूरल नाउन के साथ में। प्लूरल नाउन किस तरीके से, देखिए जैसे एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स है यानी कि गर्ल्स कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया, सिर्फ यहाँ पर एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया गया, इसके बाद एस का यूज़ नहीं किया। अगर नाउन आपकी सिंगुलर है तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे, अगर नाउन आपकी प्लूरल है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। ओके, दूसरी बात, अगर आपकी नाउन हिसिंग साउंड के साथ में एंड हो जाती है तब क्या होगा, हिसिंग साउंड के साथ एंड होने से क्या मतलब हुआ आपका, जैसे कि कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जॉन्स बैग। अब ये क्या है आपका, जॉन, यहाँ पर कोई भी हिसिंग की साउंड नहीं आ रही तो आपने क्या यूज़ कर लिया, एपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर लिया। लेकिन अगर यहाँ पर होता जीजस बैग तब ये इस तरीके से लिखा जाता, क्यों, क्योंकि देखिए जीजस जब आप बोल के देखेंगे तो लास्ट में हिस साउंड आ रही है, जीजस, तो लास्ट में ये जो हिस की साउंड आ रही है इसकी वजह से जब भी नाउन आपकी हिसिंग साउंड से यानी कि हिस साउंड से एंड हो जाए तो वहाँ पर आप सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। और अगर आपकी नाउन हिसिंग साउंड से ना एंड हो, यानी कि जैसे गॉड, यहाँ पर हिसिंग साउंड नहीं आ रही, जी ओ डी, गॉड, गॉड बोलेंगे तो ड की आवाज़ आ रही है एंड में, नाउन के एंड में देखिए आप गॉड यानी कि ड, तो यहाँ पर हिसिंग साउंड नहीं है तो इसलिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। यहाँ पर बोल के देखे जीजस, एस जो आपने बोला वो कैसी साउंड दे रहा है लास्ट में, नाउन के लास्ट में आपको हिस की साउंड आ रही है, हिस की साउंड आ रही है, इसका मतलब सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
आगे बढ़ते हैं। आप देखिए ये हमने पढ़ लिया एपोस्ट्रोफी, एस का यूज़ कहाँ पर होता है, एपोस्ट्रोफी का यूज़ कहाँ पर होता है। अब कुछ नाउन ऐसी भी तो होंगी जहाँ पर ना एपोस्ट्रोफी का यूज़ होता है ना एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होता होगा, तो उन्हें देख लेते हैं वो कौन कौन सी हैं हमारी। तो देखिए कुछ आपकी नाउन ऐसी होती हैं जहाँ पर ना एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होता है ना एपोस्ट्रोफी का यूज़ होता है, वहाँ पर यूज़ होता है सिर्फ एस का। जैसे कि कुछ प्रोनाउंस हैं, माइन, हिज, योर्स, हर्स, आवर्स, देयर्स। अब ये देखिए ये जो आपकी प्रोनाउन हैं, इस तरह की प्रोनाउन में क्या होता है आपका, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करते आप, यहाँ पर सिर्फ एस का यूज़ होता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ पर योर्स फेथफुली, ओके। अब यहाँ पर योर के साथ आपने एस लगा दिया लेकिन एपोस्ट्रोफी नहीं लगा। तो कुछ नाउन आपकी ऐसी हैं जिनके साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगता, सिर्फ एस का यूज़ वहाँ पर हो जाता है। योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली। जब आप लेटर लिखते हैं तो आपको कई बार टीचर ने बताया होगा कि योर के बाद में एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते, लेकिन आपको उस टाइम समझ नहीं आता कि क्यों नहीं लगाते। तो उसका रीज़न ये है, आप समझ लीजिए और अपने छोटे भाई बहन को बताइए एग्जैक्ट रीज़न के ये रीज़न है, इस वजह से नहीं लगता, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो चीज़ें थी ये हमने कंपेयर करके पढ़ ली कि सिंगुलर नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस, प्लूरल नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी, जिस नाउन के बाद में हिस की साउंड आ जाए वहाँ पर एपोस्ट्रोफी, जिसके साथ हिस की साउंड ना आए वहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस। अब इनके अलावा कुछ जो हैं वो अलग चीज़ें हैं जो कि हम कंपेयर एक दूसरे से नहीं कर सकते, उन्हें पढ़ लेते हैं। तो आ जाते हैं अपनी ट्रिक नंबर 4 पर। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कुछ ये जो आपके जगह होती हैं, किसी भी जगह के नाम के साथ हमेशा एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ ए प्लेस, अगर कोई जगह का नाम आपको दिया जाता है तो उसके साथ में आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। जैसे कि इंडियाज पॉपुलेशन, तो यहाँ पर इंडियाज कैसे लिखेंगे, एपोस्ट्रोफी एस, इंडियाज पॉपुलेशन। इसी तरीके से आपका हो जाएगा दिल्लीज क्लाइमेट, लिखा मौसम। इसी तरीके से और एग्जांपल आप यहां से ले सकते हैं। समझना क्या है कि किसी भी आपको जगह का नाम दिया जा रहा है तो वहां पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, ये आपको याद रखना है बेसिकली। इसके बाद अब कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो आपको टाइम बताती हैं, टाइम रिप्रेजेंट करती हैं यानी कि समय को दर्शाती हैं। कैसी नाउन होती हैं, एग्जांपल से समझते हैं हम सीधे सीधे। जैसे कि ए मंथ्स स्टे, इन अ ईयर्स टाइम, ए डेज लीव। तो ये जो है नाउन्स, ये ऐसी हैं जो कि हमें समय को दर्शाती हैं यानी कि टाइम को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जो भी नाउन आपकी टाइम को रिप्रेजेंट करेगी उसके साथ में भी आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। एपोस्ट्रोफी और एस यहाँ पर ईयर्स के साथ देखिए एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, डेज के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, यानी कि कोई भी नाउन टाइम को रिप्रेजेंट करती है एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ वहाँ पर कर लेंगे आप, आपका सेंटेंस या आपकी नाउन जो होगी वो करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रिक के लिए लेके आ गए हैं दो एग्जांपल्स। पहला क्या है, आई हैव बॉट मयंक एंड प्रियाज वॉचेस। यहाँ से समझिए आप, मैं आपको ये दो एग्जांपल जो हैं इनसे ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपकी दो नाउन ऐसी हैं जिनमें आपस में कोई रिलेशन है, अगर दो नाउन ऐसी हैं जिनमें आपस में रिलेशन है तो वहाँ पर आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ सिर्फ एक बार करेंगे। अगर आपस में उनका रिलेशन नहीं है तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ अलग अलग करेंगे। जैसे कि अब अच्छे से समझ आएगा, ध्यान दीजिएगा, आई हैव बॉट मयंक एंड प्रियाज वॉचेस। अब देखें यहाँ पर आपने मयंक और प्रिया दो नाउन हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है वॉचेस, इसका मतलब क्या निकलता है, बॉट मयंक एंड प्रियाज वॉचेस, यानी मैं मयंक और प्रिया की घड़ियाँ ले आया। घड़ियाँ ये मतलब के वॉचेस, यानी कि वॉचेस कैसे हैं, प्लूरल हुआ, तो यहाँ पर प्रिया की नहीं मयंक की भी, यहाँ पर मयंक और प्रिया की घड़ी एक नहीं है। अगर दोनों की घड़ी सेम होती तब यहाँ पर वॉच लिखा होता तब ये सेंटेंस करेक्ट था। अब यहाँ पर लिखा हुआ है वॉचेस, यानी कि वॉच क्या है, एक से ज़्यादा हैं, तो यानी कि एक वॉच किसकी होगी, मयंक की होगी, एक प्रिया की होगी, तो यानी कि ये सेंटेंस कैसा हो गया, गलत हो गया। यानी कि अगर दोनों की वॉच अलग अलग हैं तो दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस भी अलग अलग आएगा, ये आपको यहाँ पर मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, आई हैव बॉट मयंक्स एंड प्रियाज
वॉचेस, ये यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए क्योंकि घड़ी दोनों की अलग अलग हैं, कोई रिलेशन नहीं है आपस में मयंक और प्रिया का, तो यहाँ पर दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस भी अलग अलग आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, पिंकू एंड रिंकूज कंपनी हैज टर्न मोर ग्रोइंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पिंकी मतलब पिंकू और रिंकू दोनों का रिलेशन किससे दिखाया गया है, कंपनी से दिखाया गया है। कंपनी दोनों के दो यहाँ पर नाउन है लेकिन कंपनी यहाँ पर यूज़ किया गया है यानी कि सिंगुलर, तो एक कंपनी है। एक कंपनी का मतलब क्या हुआ कि पिंकू और रिंकू दोनों की एक ही कंपनी है। जब दोनों का रिलेशन एक ही चीज़ से है यानी कि दोनों आपस में ये रिलेटेड हुए, दोनों आपस में रिलेटेड हैं, एक ही चीज़ की बात की गई है दोनों के लिए, दोनों एक ही चीज़ से रिलेटेड हैं, एक ही चीज़ की बात की जाए तो एपोस्ट्रोफी एस भी एक के ही साथ लगाया जाएगा। अगर दोनों की चीज़ अलग अलग हैं तो दोनों के साथ अलग अलग एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये समझ आ गया। इसके बाद लास्ट जो हमारी ट्रिक हैं उनके पास चलते हैं। तो देखिए, अगर आपको कहीं पर नाउन मिल जाए नोबडी, नो वन, एवरी वन, एनी बडी, समबडी, एनी वन, तो ये जो आपकी नाउन हैं इनके साथ आप किसका यूज़ करेंगे, इनके साथ यूज़ किया जाएगा हमेशा एपोस्ट्रोफी एस का, ठीक है। इनके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। अब इसकी के साथ आपको मैं नेक्स्ट ट्रिक भी समझा देता हूँ कि ये जो आपके वर्ड्स हैं, ये जो आपकी नाउन्स हैं, इन्हीं के साथ कभी कभी आपको मिल जाता है जुड़ा हुआ एल्स, यानी कि नोबडी एल्स, नो वन एल्स, एवरीवन एल्स, एनीबडी एल्स, समबडी एल्स, एनीवन एल्स। तो अगर ये जो नाउन है आपकी, इनके साथ एल्स भी आ जाए तब भी आपको एपोस्ट्रोफी एस का ही यूज़ करना है। किस तरीके से, दो एग्जांपल आपको देंगे हम, एक जिसमें कि नोबडी का यूज़ हो रहा होगा यानी कि नोबडी, नो वन का यूज़ हो रहा होगा, दूसरे में एल्स भी लगा होगा, वहाँ से आप देख कर समझ जाएंगे। एग्जाम्पल तो देखिए, एग्जाम्पल हमारा द टीचर विल चेक एवरीवन्स नोटबुक। अब यहाँ पर एवरीवन का यूज़ किया गया, एवरीवन के साथ आपको पता है एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है, एपोस्ट्रोफी एस आपने लगा दिया। दूसरा एग्जांपल है, ही विल टेक योर बुक नॉट समबडी एल्सेस। यहाँ पर देखे नो समबडी के साथ में एल्स लगा हुआ है तब भी आपने यूज़ किसका किया है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया, ये आपको याद रखना है सिर्फ यहाँ पर। यहाँ पर आपका नाउन जो है कम्प्लीट हो चुका है। इसी के अलावा नाउन में आपको कुछ और किसी भी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले से ही आपके लिए काफ़ी सारी बुक्स में से जो जो इम्पोर्टेंट आपके ट्रिक्स हैं, रूल्स हैं, वो आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो में कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा उसका। और गाइज, आपकी सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।